नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जूही धनावत हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट हूँ, कोलकाता में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम एक डिजीज के बारे में बात करना चाहेंगे जिसका नाम एंडोमेट्रियोसिस है। पिछले 4-5 सालों में ये डिजीज़ को बहुत अवेयरनेस मिला है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुए हैं। नॉट अप टू द मार्क, इतना नहीं कि हमारे पास सारे आंसर्स हैं, पर इसकी जानकारी होना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर डॉक्टर्स, पेशेंट्स, घर वाले, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक औरत की निजी जिंदगी को काफ़ी अफेक्ट करता है। एंडोमेट्रियोसिस पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का इफेक्ट सोशली, मेंटली, फिजिकली क्या क्या हो सकते हैं, इस एज ग्रुप में कौन आ सकते हैं, इनमें वो बच्चे हैं जिन पहली बार जिनका पीरियड शुरू हो रहा है, 12-13-14 साल के बच्चे, इनमें वो औरतें भी हैं जिनका पीरियड पूरा खत्म हो चुका है बियॉन्ड 50 के बाद, इनमें एंड मेजर चंक वो लोग हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जो मान लीजिए 22-23 साल से लेके 35-40 साल तक के बीच में है। बेसिकली पूरा वुमेन पॉपुलेशन इसमें अफेक्ट आपका हो सकता है। रिसर्च कहते हैं कि ये बीमारी बच्चों में भी दिखती है जब एक लड़की अपने माँ के गर्भ में होती है। सो इट इज एंड ये जितना ये प्रॉब्लम इतना कॉमन है, पर डायग्नोसिस इसके बहुत कम है, क्योंकि डायग्नोसिस करना सरल नहीं है, ट्रीटमेंट करना सरल नहीं है। इसके वजह से भी जो लोग इस बीमारी से सफर करते हैं उनका प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन द फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम से भी ज़्यादा उनका मेंटल प्रॉब्लम बन जाता है। ये सब विषय के बारे में हम अपने आज के वीडियो और सक्सेसिव वीडियोस, जो आने वाले आगे भी वीडियोस हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑल सर, जितने भी मैं बात करूँगी सब प्लेन और सिंपल भाषा में हम बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। इसमें कोशिश करूँगी कि आपके मेडिकल टर्म्स जितने हों कम उपयोग हो। हम आपको समझाना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर बीमारी के साथ कौन कौन से वो कॉमन टर्म्स हैं जो यूज़ होता है। सबसे पहले बीमारी का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपको हर महीना आपका जो ब्लीडिंग होता है, हर औरत के लिए जो ब्लीडिंग नॉर्मल होता है, वो आपके यूट्रस के अलावा, आपका बच्चेदानी के अलावा और भी कहीं बाहर में हो रहा है, उसका मतलब होता है एंडोमेट्रियोसिस। उसका एक सब भाग होता है एडिनोमायोसिस। इसका ये मतलब होता है कि आपका जो ब्लीडिंग है वो आपके बच्चेदानी के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चेदानी में अबनॉर्मैलिटीज आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। एक बहुत कॉमन टर्म आज हर डॉक्टर हर पेशेंट को बताता है कि शायद यू आप क्रॉनिक पेल्विक पेन की तरफ जा रहे हैं। इसमें तीन शब्द हुआ क्रॉनिक, एक शब्द हुआ पेल्विक, एक शब्द हुआ पेन। पेन हम सब जानते हैं, पेन मतलब दर्द। दर्द हर बहुत टाइप के हो सकते हैं, जो एक इंसान के लिए एक टाइप का दर्द बहुत ज्यादा है, वो सेम दर्द किसी और के लिए कम या बेसी या कुछ और मायने हो सकता है। दूसरा टर्म है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब लंबा समय। लंबा समय किसको बोलेंगे? साइंस ये बोलती है कि हम उस बीमारी को क्रॉनिक बोलते हैं जो 3-6 महीने से ज्यादा आपके शरीर में रहता है। पेल्विक मतलब क्या? पेल्विक मतलब आपके पेट का निचला हिस्सा, जो पेट का जो नाभि है उसके नीचे वाले रीजन को हम बहुत ब्रॉड टर्म में हम बोल देते हैं कि इस एरिया को जो कंप्राइज करता है उसको लोअर अबडोमिनल पेन या पेल्विक पेन बोल सकते हैं। इन टर्म्स को समझने के बाद हम आज यही चर्चा करना चाहेंगे कि इनमें क्या नॉर्मल बीमारी या क्या एक आम इंसान फील करता है। एक आम इंसान अपने डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है, और डॉक्टर बोलता है कि शायद ये इसके वजह से हो, शायद ये नॉर्मल हो, पर मैं कह रही हूँ कि शायद इसमें एंडोमेट्रियोसिस का भी योगदान हो सकता है। तो शायद आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट जो ट्रेंड हो इस विषय में, उनसे आपको संपर्क करना पड़े। छोटे बच्चे राइट फ्रॉम स्मॉल, जब उनकी पहली बार महीना शुरू होता है, शायद 10 साल में हो, 11 साल में हो, 12 साल में हो, तब से उनको हर महीना दर्द होता है पेट में। इतना दर्द कि स्कूल नहीं जाना चाहते, इतना दर्द कि स्कूल से वापस घर भेज दिया जाता है, या बोलते हैं कि आप जाके रेस्ट करिए,
कि इन छोटे बच्चों को दवाइयों की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि वो लोग पेन सहन नहीं कर पाते हैं। और देखते देखते 3-4 साल निकल जाता है, हर साल हर 6 महीने में इनको नोटिस होता है कि इनका जो पेन है वो काफी इंक्रीज हो गया है। एक इसमें एक चीज और रिलेटेड है कि आपका अगर जो हमारा जो पीरियड होता है वो सिर्फ लाल हो ऐसा जरूरी नहीं, थोड़ा डार्क कलर ब्राउनिश ब्लैक टाइप में भी हो सकता है। ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद आपको एडिनोमायोसिस हो सके। दूसरा, आपको पीरियड के समय या पीरियड के आगे या पहले बहुत उल्टी जैसा लगे, उल्टी हो भी जाए, खाने की इच्छा नहीं करती, बहुत वीकनेस लगता है, बेड से उठने की इच्छा ना करे, आप अगर काम करते हैं तो काम के लिए वो 2 या 3 दिन आप ऑफ ले लेते हो, इतना कि आपका बॉस बोलता है कि तुम अगर इतना छुट्टी लोगी तो मे बी यू विल हैव टू लूज वर्क, आप काम पे नहीं आ पाओगे, आपका काम छूट जाता है। लोग आपके दोस्तों बोलते हैं, आपके कॉलीग्स बोलते हैं कि आप बहुत पेल लग रहे हो, आप बहुत सफेद लग रहे हो, क्या हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी कुछ खाए आपको बहुत गैस होता है, मान लीजिए आपको कुछ का पसंद हो या बाहर में कुछ चाट चटपटी पसंद हो, वो खाने से ही आपको बर्पिंग शुरू हो जाए, वो खाने से ही आपको एकदम अचपच हो जाए, आप एक कोलोनोस्कोपिस्ट के पास जाते हो, गैस्ट्रो मेडिसिन के पास जाते हो, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनमें भी काफ़ी रिलेटेड डिजीजेज होते हैं जो इस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड हो, बट ज़रूरी नहीं। एंड वो आपका एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करते हैं और फिर बोलते हैं कि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट आपको समझ में आ रहा है कि आप में सिम्टम्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो वैलिड है, पर उसका कोई तो डायग्नोसिस होना चाहिए। तो शायद प्रॉबेबली यू मे बी हैविंग एंडोमेट्रियोसिस, यू मे नेवर नो। इसके चक्कर में आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमेशा आपको सूखा मुंह फील होता हो, बार बार पानी पीने की इच्छा करती हो, विवाहित लोगों में या इवन अविवाहित लोगों में आजकल अगर आपको इंटरकोर्स करने में, संबंध बनाने में तकलीफ हो, जलन होती हो, अंदर की तरफ काफ़ी पेन होता हो, यू शुरू करते हैं पर यू आपको ऐसा है कि आपका जो इंटरकोर्स है वो अभी ख़त्म हो और यू जस्ट वॉन्ट गेट आउट ऑफ इट, दिस ये भी एक इंडिकेशन है एंडोमेट्रोसिस का। हमेशा आपको डिप्रेसिव मूड हो, कुछ करने की इच्छा नहीं करो, इरिटेशन हो, घर में अगर बच्चे हैं बच्चे से भी ढंग से बात नहीं करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से ढंग से बात नहीं करते हैं, यू नॉट फीलिंग ओके, आपको बस अपना काम करना है और बस नो यू वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, प्रॉब्ली यू डू हैव एंडोमेट्रोसिस। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लगता है कि ये शायद मेरे साथ कभी ना कभी हुआ है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो प्लीज आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें या मेरे साथ संपर्क करें, आए हमसे बात करें, हम आपको इसका ट्रीटमेंट बताएंगे, क्या आवश्यक है, शायद सर्जरी भी लग सकती है, शायद मेडिसिन भी लग सकती है, पर सिर्फ सर्जरी और मेडिसिन करना इसका एंड नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान्स हम देते हैं जिससे आपकी डे टू डे लाइफ नॉर्मल हो जाए। आप में बीमारी है पर वो बीमारी की वजह से आपकी निजी जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए, आपकी फैमिली खुशहाल रहे, आपका दिमाग आपका मानसिक संतुलन बने रहे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए आप प्लीज़ हमारे आगे की वीडियोज़ भी देखिए। थैंक यू।